आज हम बनाएंगे ब्लैक टी। हाई फ्लेम पर पैन में 2 कप पानी डालेंगे। ब्लैक टी को साउथ इंडिया में कट्टन चाय, सुलेमानी चाय और मलबार चाय कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे कोरा चाहा या काला चाहा कहते हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, ब्लैक टी तो एक ही है। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 1 इंच ग्रेटेड अदरक और 1/2 टीस्पून चाय पाउडर डालकर 3 मिनट बॉईल करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए क्या मस्त कलर आया है। अगर आपको और स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए तो चाय पाउडर ज्यादा डालें। दो टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी की जगह पर गुड़ या खड़ी शक्कर डाल सकते हैं। अगर आपको पुदीना, तुलसी या करी पत्ते डालने हो तो इस स्टेज पर डालें और 1 मिनट बॉईल करें। ब्लैक टी रेडी है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे। 1/2 टीस्पून नींबू का जूस डालेंगे। चाय को छान लेंगे। मसाला चाय। हाई फ्लेम पर पैन में 1 कप पानी बॉईल करने रखेंगे। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें 1/2 टीस्पून चाय मसाला और 1 टीस्पून चाय पत्ती ऐड करके 2 मिनट बॉईल कर लेंगे। चाय मसाला के रेसिपी के लिए आई बटन पर क्लिक करें। 2 मिनट हो चुके हैं, स्वादानुसार चीनी ऐड करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। चाय का जैसा कलर आपको पसंद हो उस हिसाब से दूध ऐड करें। लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट चाय बॉईल करेंगे। देखिए क्या मस्त चाय बनी है। गैस बंद करेंगे। चाय को छान लेंगे। मसाला चाय रेडी है। क्रिस्पी पकौड़ों के साथ चाय एंजॉय कीजिए। रजवाड़ी चाय। इसके लिए पहले हम कैरेमल दूध तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून चीनी फैला लेंगे। अब गैस की फ्लेम लो पर ऑन करेंगे। लो फ्लेम पर ही शुगर कैरेमल तैयार करना है। चीनी को चम्मच से बिल्कुल भी ना चलाएं। चीनी अपने आप मेल्ट होगी। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। कैरेमल रेडी होने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। रजवाड़ी चाय के लिए कैरेमल परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। कैरेमल का रंग गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अगर कैरेमल ओवर कुक हुआ तो उसका रंग ज्यादा डार्क दिखता है और वो कड़वा लगता है। देखिए चीनी को साइड से गोल्डन कलर आने लगा है। इस बार पैन को थोड़ा हिला लेंगे। अब स्पून से मिक्स करेंगे। देखिए कैरेमल का रंग कितना बढ़िया लग रहा है। 1.5 कप दूध डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बीच बीच में चलाते हुए कैरेमल को दूध में मिक्स करना है। आपको अभी कैरेमल लम्स दिखाई दे रहे होंगे, पर जैसे जैसे दूध गर्म होगा वैसे वैसे कैरेमल अच्छे से मिक्स होगा। कैरेमल दूध रेडी है, दूसरे पैन में निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पर पैन रखकर इसमें 3/4 कप पानी डालेंगे। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें 1 टेबलस्पून लेमन ग्रास, 4 इलायची, 2 टीस्पून चाय पाउडर
और 1 इंच ग्रेटेड अदरक डालेंगे। अब इस पानी को आधा होने तक उबालेंगे। पानी आधा हो चुका है, इसमें कैरेमल दूध डालेंगे। देखिए क्या मस्त कलर आया है। 2 मिनट चाय को मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। वाह क्या मस्त खुशबू फैली है, रिमझिम बारिश और ऐसी बेस्ट चाय, और क्या चाहिए। रजवाड़ी चाय रेडी है, छान लेंगे। कश्मीरी चाय। पहले हम कहवा रेडी करेंगे। इसके लिए हाई फ्लेम पर पैन में 2 कप पानी डालेंगे। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें 1 इंच दालचीनी के टुकड़े, 6 इलायची, आधा बादियान का फूल और 2 टेबलस्पून ग्रीन टी डालकर 1 मिनट बॉईल करेंगे। इसमें ग्रीन टी ही यूज करें, दूसरी कौन सी भी चाय पत्ती यूज न करें। 1 मिनट हो चुका है, इसमें चुटकी भर नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। इस तरह लगातार चलाते हुए कहवा बॉईल कर लेंगे। इस चाय को कश्मीरी कहवा टी या नून चाय भी बोलते हैं। नून मतलब नमक, इसमें नमक होता है इसलिए इसे नून चाय कहते हैं। कहवा आधा होने तक बॉईल करना है। कहवा आधा हो चुका है, इसमें 2 कप बर्फ का पानी डालेंगे। बर्फ का पानी ही डालना है, इससे एक तरह की रिएक्शन होती है और चाय गुलाबी हो जाती है। कहवा बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है, देखिए थोड़ा गुलाबी कलर आने लगा है। इस तरह लगातार चलाते हुए कहवा आधा कर लेंगे। ये कहवा बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक बार कहवा रेडी हो गया तो चाय फटाफट बन जाती है। कहवा आधा हो चुका है, कहवा छान लेंगे। ये स्ट्रेन किया हुआ कहवा ठंडा होने के बाद ग्लास जार में भरकर रखें। फ्रिज में 5 से 6 दिन अच्छा रहता है। देखिए क्या मस्त कलर आया है। अब हम चाय रेडी करेंगे। हाई फ्लेम पर पैन में 1 कप दूध और 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूध बॉईल हो चुका है, गैस की फ्लेम मीडियम पर करेंगे। इसमें कहवा ऐड करेंगे। आपको जैसा कलर चाहिए उतना कहवा ऐड करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कश्मीरी चाय रेडी है, कप में डालेंगे। पिस्ता और बादाम डालेंगे, इसके बगैर ये चाय अधूरी है।